अडानी का शेयर कौन बेच रहा है आज चार दिन से, पता चल गया क्या? आखिर ये कौन बेच रहा है, इतनी जबरदस्त सेल कौन कर रहा है, पता चल गया क्या? बहुत लोगों ने कमेंट किया कि अडानी का पता चल गया, कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि पता चल गया कि अडानी का शेयर कौन बेच रहा है। थोड़ा हमें भी बता दीजिए, आप लोगों को पता चल गया क्या? अडानी का, अडानी ग्रुप के जो 7 स्टॉक 8 स्टॉक हैं, कौन बेच रहा है आज 5-6 दिनों से, किसी को पता है क्या? कुछ लोग बोलते हैं पता है, अरे पता है तो बताओ ना। सेबी भी पीछे पड़ी है, आरबीआई भी पीछे पड़ी है, और वो जो फ्रॉड, 5 लोगों की जो फ्रॉड गिरी टीम है, उनका जो हाल होने वाला है, और ये सारे के सारे मुंबई में 3 डब्बे कचरे के आते हैं दोस्तों, एक ब्लू रंग का आता है, एक ग्रीन आता है, और एक अभी रेड आने वाला है। ये तीनों जो है ना, जो भारत में बड़ी कंपनियां जो इसके साख को ख़राब करके अपना वर्चस्व लहराना चाहते हैं, उसके मनसा एक ब्लू कचरे के डिब्बे में जाएगा। और जो लोग दिन रात अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी करते रहने तक, उनके जो कचरे हैं दिमाग का, वो हरे में जाएगा, और लाल वाला जो है पूरा इकट्ठा करके और उनको सौंप दिया जाएगा कि ले ये ब्लू वाला कचरा और हरे वाला कचरा और लाल वाला कचरे में डाल के सब खत्म कर देगा। अरे भैया अडानी अडानी क्या अडानी अडानी लगा रखे हो, रट प्रॉफिट कमा रहे थे तो अच्छा लग रहा था, अब उसके साथ अगर हो गया, उसके साथ धोखा हो गया, उसके साथ फ्रॉड गिरी हुआ, और हकीकत क्या है उसको भी नहीं पता चल रहा है, अगर सपोज डेट मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ, अगर सफाई दे रहा है तो अभी तो सफाई दे रहा है ना दोस्त, लेकिन इस सफाई को देते देते ऐसा ना हो कि स्टॉक मार्केट में जिस मंशा से इस ग्रुप को, हमारी इकोनॉमिक को खराब छवि करने के लिए मंशा है, उसके मंशा पूरा ना हो जाए, तो ये बात को समझना है दोस्त। हम तो बार बार कहते हैं कि सबसे पहला काम स्टॉक मार्केट में, आखिर ये कौन बेच रहा है, पैसा कहाँ, किसके खाते में जा रहा है भैया, ये तो पता से भी लगाई लगी कि किस स्टॉक में और किस सेक्टर के कौन सा स्टॉक में किसने बेचा है। ये तो भारत की एक पल की, एक मिनट की बात है दोस्तों, एक मिनट की बात है, एक घंटे में पता चल जाएगा कि शेयर 5-6 दिनों में अडानी ग्रुप का इतना जो सेल हुआ है, किसने सेल किया है, और पैसा कहाँ गया, किसके खाते में गया, और ये जानकारी से भी लगाई लगी और आरबीआई की नज़रों में भी रहेगा दोस्तों। अगर ये बहुत बड़ी बात बोल रहे दोस्तों, ये स्टॉक 5-6 दिन में जो गिरा है, सेल हुआ है, किसके खाते में ये पैसा, किसके खाते में गया, कौन बेचा है, ये जिम्मेदारी स्टॉक एक्सचेंज और सेबी की है, और भारत सरकार भी दूध का दूध और पानी का पानी नहीं किया तो इन्वेस्टर रिटेलर का
विश्वास स्टॉक मार्केट से ख़त्म हो सकता है, क्योंकि खून पसीने गाढ़े की कमाई, भले स्टॉक मार्केट गिरे ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो सूचना आई है, जो मैं और ये जो खबरें चल रही हैं और खबरों के साथ ये गिर रहा है, इसमें देश को जानना जरूरी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।